सीएम होगा डिप्टी सीएम 2024 में, जो दूसरी तरह डिप्टी सीएम है वो सीएम हो जाएंगे 2024 में। आज जमान जनता पूरा हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आवाज है, आने वाला सीएम 2024 में दूसरी चौटाला बनेगा। आज इसके साथ पूरा जोश बयानी में दिखा दें, आज 8-10 लाख लोग वहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। 152 डी के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और आप सभी को पता है कि जेजेपी पार्टी का जो पांचवा जो स्थापना दिवस है, यानी कि जेजेपी पार्टी को आज पूरे 4 साल हो गए हैं और उसी खुशी को लेकर के जेजेपी पार्टी ने, यानी कि अपना स्थापना जो दिवस है वो भिवाणी यानी कि छोटी काशी कहे जाने वाले क्षेत्र भिवाणी में मनाया जा रहा है। तो जुलाना के जो विधायक हैं, हज़ारों जो गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुंचे हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे विधायक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट जी, सबसे पहले तो विधायक जी राम राम जी। राम राम भाई, क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो जेजेपी पार्टी का स्थापना दिवस है, 4 साल पूरे हो गए सर। आज जनता पार्टी का पांचवा स्थापना दिवस बयानी मनाने जा रहे हैं। आज जुलाना से 15,000 लोग, माताएं बहने बुजुर्ग युवा साथी, आज पीछे लगा देखो पूरा जोश है। 2 किलोमीटर जाम लग गया हुआ है और वहाँ पूरी हम तो यही बात कहते हैं, आना वाला सीएम दुष्यंत चौटाला है 2024 में। इसी काफिले से, इसी के जोश में सभी लोग सबसे आगे जाके राजुलाना पूरा पंडाल भर के जिन जिला पूरा आगे चले जाएगा। बिल्कुल, क्या लगता है बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए जेजेपी पार्टी का एक बड़ा नारा था, क्या उसको पूरा कर पाएंगे? ऐसे आज सारी बात रैली में बताऊँ, डिप्टी सीएम सब सारी बात बताऊँ, नेता सारी बात बताऊँ, पूरा पेंशन 5100 लेकर छोड़ांगे। बिल्कुल विधायक जी, सुनने में आ रहा है कि जो पांडू पिंडारा जो रैली हुई थी सबसे पहले जेजेपी पार्टी की, आज उसका भी रिकॉर्ड टूटने वाला, आज उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बयानी में हाँ, कितनी भी थोड़ा 6 लाख थोड़ा बयानी में 8 लाख हो जाएंगे। हाँ, वहाँ जाके देखो, वहाँ सब पता लग जाएगा। आपके साथ कितना काफिला मान सकते हैं? जाम लगा है लंबा, एक बार पीछे लगाए देख ले, भाई कैमरामैन को आगे दिखा दे, पर पीछे 1 किलो लंबा है तो काफिला 152 डी लगभग 2 किलोमीटर तक का जाम लगा दिया। क्या हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ेगा आज की रैली का? आने वाला डिप्टी सीएम 2024 में दुष्यंत चौटाला होगा, इसी के साथ डिप्टी सीएम सीएम है। अच्छा जी, हाँ सीएम होगा डिप्टी सीएम 2024 में, जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है वो सीएम हो जाएंगे 2024 में। आज जमान जनता पूरा हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आवाज है, आने वाला सीएम 2024 में दुष्यंत चौटाला बनेगा। आज इसके साथ पूरा जोश बयानी में दिखा दें, आज 8-10 लाख लोग वहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, चलो भाई, जुलाना के विधायक अमरजीत डंडा और एक काफिला यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंबा काफिला कई किलोमीटर तक, जी जी चलन दो, हाँ जो एक लंबा जाम है यहाँ पर है, ये देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। कैमरामैन को कहूंगा एक बार घुमा करके दिखाए, जुलाना के जो विधायक है अमरजीत डंडा अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ बता रहे हैं कि लगभग 10 से 15 हज़ार जो लोगों की जो भीड़ है उसको लेकर के यहाँ पर साथ में महिला जिला प्रधान। अच्छा अच्छा, चलो भाई ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देख सकते हैं यहाँ पर जेजेपी पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है आज, यानी कि लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं काफिला लंबा। तो भाई ये खाने की जो व्यवस्था है पार्टी के द्वारा, ये खाने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, देख सकते हैं जुलाना के जो विधायक अमरजीत डंडा उनकी तरफ से, और जो ये लंबा काफिला है, ये बसें हैं जो ये जुलाना के विधानसभा क्षेत्र की तरफ से जो भरी गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। यहाँ पर ये देखिए भाई, ये देखो भाई, बस की बस भरके जाने लग रही है, इतनी खुशी मना रहे हैं। हेलो, वाह जी वाह, ये देखो भाई, ये देखो ताई, राम राम ताइया ने, वाह जी वाह, ये काफिला जाने लग रहा है, बस की बस भरी की भरी। ये देखो भाई, कई किलोमीटर तक है जो भीड़ है जुलाना के विधायक अमरजीत डंडा, कई किलोमीटर तक है ये जो काफिला है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। चलन दो भाई गाड़ी, हाँ हाँ हो जाएगी, चलन दो। ये भाई जुलाना से करसन राठी है,
आदि राठी साहब क्या कहना चाहेंगे जय जो स्थापना दिवस मना जा रहा। कितना काफिला है जी सर? डिस्ट्रिक्ट दिन से कम 30,000 आदमी जाएंगे, 15,000 आदमी तो अकेले जुलाने से हैं। जी जी, हजारों की तादाद में बसें हैं, हजारों की तादाद में जो इको और ये क्रूज गाड़ियां हैं और पर्सनल गाड़ियां हैं। जे ये सुनने में आ रहा है कि 2024 में जे भी पार्टी है भविष्य तय करेगी आज की रैली 2024 में भविष्य तय करेगी। 2024 में 47 सीट लेके पूरी मुहम्मद की सरकार बनेगी। जी सर जी, तो भाई देख सकते हैं एक लंबा काफिला पिंडारा वाला रिकॉर्ड तोड़ देगी। देख सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ने की बात यहाँ पर जेजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कही जा रही इस वक्त की ये बड़ी खबर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी साथी इस वक्त जुड़े हैं देख सकते हैं यहाँ पर जेजेपी पार्टी जो स्थापना दिवस मना रही है, पांचवा स्थापना दिवस है, यानी कि 4 साल आज जेजेपी पार्टी को पूरे हो गए हैं। जुलाना विधानसभा क्षेत्र की तरफ से जो काफिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 15,000 लोगों की जो भीड़, अमरजीत डांडा का एक बड़ा दावा है कि लगभग 15,000 लोगों की भीड़ को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि जितने भी साथी जुड़े वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक लंबा काफिला भिवानी की तरफ, यानी कि देख सकते हैं जननायक जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है भिवानी के अंदर जो मनाया जा रहा है उसी को लेकर के ये बसों का काफिला ये निकल पड़ा। देख सकते हैं लगातार जितनी जो बसें हैं लगातार जो आने लग रही हैं, ये जुलाना का काफिला यहाँ पर आप देख सकते हैं। राम राम। तो भाई देख लो लंबा जो काफिला है, ये एक लंबा काफिला भिवानी में जो जेजेपी पार्टी का स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है उसी को लेकर के लगभग 15,000 लोगों की भीड़, यानी कि अमरजीत डांडा जो जुलाना के विधायक है उनका एक बड़ा दावा है कि 15,000 लोगों की भीड़ अकेला जुलाना विधानसभा क्षेत्र की तरफ से जाने लग रही है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं 152D नेशनल हाईवे के ऊपर है, देख सकते हैं एक लंबा काफिला बस और गाड़ियों की यदि बात करें अकेला जुलाना की तरफ से लगभग 15,000 लोगों की भीड़ यहां पर, विधायक जो जुलाना के अमरजीत डांडा उनकी तरफ से ये दावा किया गया है। देख सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने भी साथी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि जेजेपी पार्टी का जो स्थापना दिवस है आज, यानी कि पार्टी का ये कहेंगे कि एक बड़ा टेस्ट होने जा रहा है कि देख सकते हैं पार्टी का जो आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है आज की रैली तय करेगी कि 2024 में जेजेपी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा। यानी कि सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकती आज की रैली पांडू पिंडारा के अंदर, जिस टाइम पर जेजेपी पार्टी की जो स्थापना हुई थी पांडू पिंडारा के अंदर जो बड़ी रैली हुई थी उसके बाद कह रहे हैं कि आज उसके भी रिकॉर्ड है जो वो टूट जाएंगे। देख सकते हैं एक बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है, तो वो तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। भिवानी यानी कि छोटा जो काशी कहा जाता है उस वहाँ से जो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चलो भाई राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।